मंडूक आसन से। आराम से ऐसे एक एक पैर को मोड़ लीजिए, एड़ियां बाहर पंजे अंदर, बाएं पैर की अंगूठे पर दाहिने पैर का अंगूठा से पीछे से, ये तरीका होता है। दोनों घुटने सामने से मिले हुए होते हैं। एक अभ्यास को एक मिनट करना है और पहले ही दिन से आपका पेट ठीक हो जाएगा, पहले ही दिन से। किसी का 100%, किसी का 75%, किसी का 50%, और बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है, बहुत ही ज़्यादा अपसेट है आपका पेट, माने आमाशय, पकवास है, स्टमक, गाल ब्लैडर, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, पुरुषों का प्रोस्टेट, मातों बहनों का यूट्रस, ओवरी और पूरा मासिक धर्म का चक्र अव्यवस्थित है, तो भी आपको पहले ही दिन से 25% लाभ हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ 25% से लेकर के 100% लाभ पहले ही दिन, क्योंकि सबकी बॉडी की कंडीशन एक जैसी नहीं होती है। बॉडी की टेंडेंसीज, बॉडी की कंडीशंस, बॉडी के प्रैक्टिसेस सबके अंदर से एक जैसी नहीं होती है। नाभि के दोनों ओर मुठियां लगी हुई हैं, श्वास बाहर छोड़ दिया और आगे झुक गए। 10-15 सेकेंड ऐसे श्वास को बाहर छोड़ के रख सकते हैं। लीवर, स्प्लीन, पेनक्रियास, इंटेस्टाइन, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओवरी से लेकर के और टेस्टिकल्स तक इसका असर होता है। हाँ, स्टमक, गाल ब्लैडर इससे अच्छा होता है, गर्दन सीधी रहती है। विधि में श्वास बाहर छोड़ा, आगे झुक गए, श्वास को बाहर रोक दिया। 10-15 सेकंड रोकने के बाद फिर इच्छा होती है श्वास लेने की, फिर ले लीजिए, फिर छोड़ दीजिए, अथवा लंबे लंबे श्वास लेते रहिए। इससे पेट तो अच्छा होगा ही, इससे पेनक्रियाज अच्छा होगा। एक साथ पूरा पाचन तंत्र ठीक हो जाता है। ऐसे अभ्यास करते हैं। एक मिनट रुकने के बाद फिर वापस आते हैं। ऐसे आगे झुकते हैं तो लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, स्टमक, गॉल ब्लड, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट सब अच्छे होते हैं। ऐसे आगे झुकने के बाद पेट की मसाज कर लेते हैं। ऐसे देखो, मैं आगे झुकने के बाद ऐसे